भगवान की बाणी सुनेंगे, नानक जी की सत्संग करेंगे, तो भक्त महानुभाव गांव वाले को इतना अच्छा लगा कि कथा सुनते सुनते लगभग एक महीने व्यतीत हो गए और इतनी सेवा सत्कार किया नानक जी के साथ उनकी शिष्यों की। और भक्त महानुभाव जब जाने लगे तो उनके आँख भी सजल हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। नानक जी जाने लगे कि बोले प्रभु हमारे पास तो सब कुछ है, कुछ आशीर्वाद तो देके जाया करो। तो भक्त महानुभावों ने कहा कि जितने भी लोग यहाँ बसे हो सब उजड़ जाओ, नानक के शिष्यों को ये बात बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ बोले नहीं, चल दिए। आगे गए भक्त महानुभाव तो एक गाँव मिला, बहुत बड़ा गांव था, वहाँ हर तरह के लोग रहते थे, आपस में किसी का बंधा नहीं था। इस्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी सुंदर लिखी थी। भक्त महानुभाव इस देश पे लगभग 200 वर्षों से ज़्यादा अंग्रेजों ने राज्य किया, और क्यों, इस्या के लिए। आपस में फूट डाल देते थे और राज करके जितनी भी अपने देश की जो सोने की चिड़िया थी, धन था, अटूट धन था, अभी भी बहुत है। यकीन माने कि जितने अपने देश में मंदिरों में धन है उतना कहीं भी नहीं है आज के समय में। आज दक्षिणी भारत में कभी भी यात्रा करिएगा, अपने देश की एक ऐसी ऐसी धरोहर है कि आप मंदिर की नकाशी देखेंगे तो आज के समय में कुछ नयापन लगेगा। है तो पुराना लेकिन आज आपको नया लगेगा। जो हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं उसका नाम है पुराण। तो पुराण का मतलब क्या है, पुराने से पुराना लेकिन हमेशा नया लगे, वही पुराण है। जब देखेंगे कि ऐसे समय में कैसे बनाया होगा, आज इतना मजबूत और टिकाऊ है और कितना पुराना है। तो भक्त महानुभाव उस गांव में जब गए तो देखे कि आपस में ईर्ष्या इतनी थी, आपस में लोग बात नहीं करते थे, आपस में एक दूसरे की विचार नहीं लेते थे। दुनिया में सबसे ठोस चीज़ है आपके विचार हैं, जब आप बैठोगे तो आपके अंदर से निकल के आएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। और जितने भी आज देख रहे हो विश्व में अविष्कार, किसी ने किसी के विचार थे, जो मन में विचार कल्पना किया और उसको कसौटी पे कसा, आज हम देख रहे थे, आज उस पर उपयोग कर रहे हैं। कहीं भी आप देखेंगे, जेम्स वाट ने केतली का बड़ी ध्यान से देखा, बोला भाव में बड़ी शक्ति है, और उसने आज रेल की आविष्कार कर दिया। कितनी सुलभ यात्रा है, आप एक इंडिया भारत के एक दूसरे से छोर तक चले जाते। राइट बंधु ने देखा कि चिड़िया भी उड़ती है, तो क्या ऐसा कुछ उड़ा भी सकते हैं, तो उन्होंने आविष्कार किया यातायात वायुवान का। भक्त महानुभाव पेड़ से हमेशा सेब गिरते थे, लेकिन न्यूटन ने देखा इसको कि ये गिरता भी है, तो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। चीज़ें तो वही हैं, बस विचार कल्पना करा और उसको समझाया, बस आगे इस माध्यम से दुनिया का नर नारी का विकास हुआ। तो वही है भक्त महानुभाव कि विज्ञान का वही युग, विज्ञान का विस्तार है, विज्ञान से हो रहा नर नारी का कल्याण है। लोग की सोच से ही विज्ञान बना, लोग के विचारों से ही विज्ञान बना। तो उस गांव में मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि लोग बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि हो सकता है भक्त महानुभाव
कि जो आपके जो विचार हैं कुछ अलग हों और अगले का विचार कुछ अलग हो। भक्त महानुभाव बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि लोग ज्ञान दे के विचार करके उसको दिशा की दशा बदल दे। बहुत ऐसे शिक्षक हैं भक्त महानुभाव अपने छात्रों को पढ़ा के बहुत आगे बढ़ा दिया, अच्छे से अधिकारी बना दिया। क्योंकि भगवान जब किसी न किसी को बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ गुण विद्यमान छोड़ देते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर में आईएएस बनने की गुण हो, बट उसको निकालना है। भले ही शिक्षक न बनने, क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है, उसको पढ़ाने में गुण है, लेकिन आपको अधिकारी बनने में गुण है, वो उसको निकालता है। तो जब वहाँ पे गए तो लोगों में आपस में ऐसी इच्छा थी, आपस में बैठते नहीं थे, घर में सब कुछ था, धन की कोई कमी नहीं, संपन्नता था, लेकिन आपस में भाई भाई बैठ के विचार नहीं करते, आपस में प्रेम नहीं था, भाव नहीं था, चौपाल नहीं था। शिष्यों ने कहा कि प्रभु यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ कथा तो नहीं कुछ और हो जाएगी, यहाँ से निकल लेते। लेकिन नानक जी ने कहा कि नहीं, जब हम ऐसा करेंगे तो कौन सुधारेगा इनको। भक्त महानुभाव वैसे गांव में कुछ अच्छे लोग भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप यहीं डेरा डालिए, कथा यहीं होगी। गांव के मध्य भाग में भक्त महानुभाव बहुत सुंदर एक बट वृक्ष था, वहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। ननक जी का वहाँ पर सत्संग शुरू हुआ तो भक्त महानुभाव बहुत लोग आए, लेकिन कथा तो सुने, लेकिन कुछ न कुछ उसने टीका टिप्पणी करी और शिष्यों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया, लेकिन कथा सुनाते रहे, सत्संग करते रहे, क्योंकि कुछ लोग थे सुनना चाहते थे और बहुत ऐसे लोग थे जो सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन सत्संग में आ गए थे तो सुन रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे कि सोचते थे कि ये सत्संग ना हो, जल्दी यहाँ से चले जाए, ऐसे भी लोग थे, लेकिन भक्त महानुभाव धीरे 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 जब उन्होंने कथा सुनाई, अंत में जब चलने लगे तो वहाँ पे आशीर्वाद दिए। शिष्यों ने कहा कि प्रभु अभी तो चलने का समय हो गया है, तो वहाँ के जो जितने भी लोग थे सबको बोले कि आज आखिरी दिन है, तो लोगों ने कहा कि प्रभु कुछ तो आशीर्वाद तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं बस जाओ। शिष्यों को अच्छा नहीं लगा और वहाँ से निकल गए। जब वहाँ से निकले भक्त महानुभाव तो एक जगह पे बैठा, रात हो गई, गुरु ने कहा कि आज यहीं पे डेरा डालेंगे। सुबह प्रातः काल नदी का किनारा है, स्नान ध्यान करके आगे किसी गांव में जाएंगे। शिष्यों ने कहा प्रभु ठीक है। जब उचित समय मिला, नानक जी बैठे थे, उन्होंने कहा प्रभु एक बात मेरे समझ में नहीं आई। बोली कौन सी बात, आप बताओ, पूछो तो। तो भक्त महानुभाव शिष्यों ने कहा कि प्रभु जब उस गांव में गए थे, इतनी सेवा किया और आपने आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ, और दूसरे गांव में गए थे जिन्होंने सेवा नहीं किया, भली बुरी बात भी कही, आदर की बात छोड़ो, ढंग से बात नहीं करना चाहते, आप उनको कहा कि बस जाओ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जो अच्छा आपके बारे में सोचा आपने उसको बोल दिया उजड़ जाओ, जिसने बुरा सोचा आपने कहा बस जाओ, ये बात नहीं समझ में आई। नानक जी हंसे और बोले शिष्यों बैठो। जितने भी शिष्य थे सबको बुलाए और भक्त महानुभाव उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कहा, बड़ी ध्यान से सुनना, इस कथा का सार यही है जो आपको देना चाहते हैं। नानक जी ने कहा कि देखो, जो अच्छे लोग हैं जब उजड़ जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे, तो अपनी अच्छाई लेके जाएंगे, जो बुरे लोग हैं एक जाग रहेंगे तो वहीं पे रहेगा, इसलिए हमने कहा कि उजड़ जाओ।
तो भक्त महानुभाव, कहने का मतलब यही है कि जितने भी अच्छे कार्य करना है इस कलयुग में आप करिए, धर्म कर्म से जुड़े रहिए, उसके बाद अपने कर्म करिए, अपने जीवन में जितने भी समय है आपको उसमें से एक घंटा आधा घंटा प्रभु के चरणों में जरूर दीजिए। क्योंकि कहते हैं भक्त महानुभाव, विदु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब संग करेंगे, जब संग जीतेंगे भक्त महानुभाव, तो आपके अंदर में अच्छे विचार आएंगे। जब आपके अच्छे जब विचार आएंगे तो आपके सुंदर कर्म बनेंगे। जब अच्छे कर्म बनेंगे तो आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए भक्त महानुभाव, विचार, अच्छे विचार बहुत जरूरी हैं, उपयोगी हैं। इसलिए जो भी आप करिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अपने समय पे जो भी काम करना है उसको कर डालिए। इसलिए भक्त महानुभाव, जो कार्य आपको आज करना है उसको अभी कर लीजिए, जिसको कल करना है उसको आज कर लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है बहुत शास्त्रों में। ऐसे संगत में भक्त महानुभाव, तुलसीदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, उन्होंने लिखा है कि आज करे सो अब करे, अब करे सो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करे होएगा। भक्त महानुभाव इसलिए कहा है कि जिंदगी क्या है, देव दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, और एक एक दिन क्या है, कम हो रही है। ये कब निकल जाएगी इसकी गारंटी कौन दे, और इसकी निकलने में गारंटी देने में निकल जाए इसकी गारंटी कौन दे। ऐसे बहुत लोग को देखा कि रात में सोया चाय पी के, सुबह उठा ही नहीं, बड़े बड़े अफसर भी थे। इसलिए भक्त महानुभाव, जीवन का कोई समय नहीं। हमारे सीडियस थे पहले देश के, भारत के, जा रहे थे, मात्र 5-6 सेकंड में अगर फ्लाइट पहुंच गई होती तो शायद आज अपने बीच में होते, तो समय कौन जानता। इसलिए भक्त महानुभाव, जीवन में जितने भी अच्छे कर्म करना है आप कर लीजिए, अच्छे विचार कर लीजिए, यही आपके साथ जाना है। क्योंकि जो ये मृत्यु लोक है, हम इसमें कुछ कमाने के लिए आए हैं, और जो यही साथ लेके जाएंगे, धन रुपए पैसे आदि सब छूट जाएंगे, ना कोई इसकी एक्सचेंज होगी, ना कोई आपका डॉलर जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जाएगा आपके अच्छे विचार कर्म और भक्त महानुभाव, आप हम और आप और हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपके कर्म, आपके अच्छे विचार दुनिया में हमेशा रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने यहीं वचनों को विराम देता हूँ। भक्त महानुभाव, हर सप्ताह मैं आपको आने वाले प्रत्यवहार को आपको अवगत कराता हूँ। आप सभी जानते हैं कि ये जो पक्ष चल रहा है आश्विन महीने का, वैसे कृष्ण पक्ष है। भक्त महानुभाव, जब आश्विन का कृष्ण पक्ष आता है तो ये पितरों के लिए निमित्त रहता है, इसको हम श्राद्ध के नाम से जानते हैं। तो अपने सनातन धर्म में पितरों के लिए खास 15 दिन जो बनाए गए हैं, इसको हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। भक्त महानुभाव, हर तिथियों में तर्पण श्राद्ध आदि होते हैं। जिनकी पिताजी माताजी नहीं हैं, नाना नानी भी नहीं हैं, दादा दादी भी नहीं हैं, उनके श्राद्ध तर्पण आदि इन्हीं पक्षों में करने से उनको मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। और भक्त महानुभाव कहते हैं कि श्राद्ध तर्पण आदि करने से पितर लोग आशीर्वाद देते हैं, और जब तक ये सूर्य चंद्रमा रहता है धरती पे, वो आपकी वंश की वृद्धि होती है। इसलिए भक्त महानुभाव, जो तिथियों में दिवंगत हुए हैं उस तिथियों में तर्पण श्राद्ध करने का विधान है, और इसका शुभ टाइम है। भक्त महानुभाव, वैसे देवी देवता का जो आवाहन पूजन होता है, आप हमेशा प्रातः काल करिएगा, वो सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन जो पितरों का जो टाइम होता है भक्त महानुभाव, वो मध्यमान काल माना जाता है, लगभग 12 बजे तक कर लेना चाहिए। तो भक्त महानुभाव, यही थे आपके खासकर जो मुख्य हैं आश्विन के महीने में। जैसे आश्विन महीने की जो अमावस्या आती है आखिरी दिन, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनको याद नहीं रहता है कि हमारे पिता किस तिथि में गुजर गए। और ख़ासकर शास्त्र में एक और बड़ा निर्णय लिया है, ग्रंथों में लिखा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जैसे कोई सर्पदंशन से, कोई हथियार से, कोई बाढ़ में गया आया ही नहीं,
बहुत ऐसे लोग हैं तीर्थधाम में गए वो पता नहीं चला कि कहाँ गए, बहुत ऐसे लोग भक्त महानुभाव घर से सर्विस करने के लिए गए और आज तक लौट के नहीं आए, तो इनकी श्राद्ध कैसे करेंगे, आज मिले नहीं, क्योंकि तिथि तो मालूम नहीं है। तो शास्त्रों में बड़ा सुंदर बात कही गई है कि जिसको मालूम नहीं है भक्त महानुभाव, जो सर्वप्रीत अमावस है आश्विन महीने का आखिरी दिन यानी महालय का दिन, दुर्गा घट स्थापना से एक दिन पहले का दिन, उसी समय कर लेना चाहिए। इसलिए भक्त महानुभाव जितने भी पितर आदि हैं जिनको याद नहीं है, या सर्पदंशन से इनकी मृत्यु हुई है या कोई हथियार से मृत्यु हो गई है, उन सभी लोगों का अमावस्या में उनकी श्राद्ध तर्पण करने से उनको शांति मिलती है। और जहाँ भी रहते हैं भक्त महानुभाव अपने वंशज को, अपने पूर्वजों को, अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। प्रेम सूर्य सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, तंत बलवंत धनवंत लाल की। कर लीजिए, कर लीजिए। पार लगायो मा
प्रभु मेरो दुई हाथ जोड़ी प्रभु तिमी शंकर आशीष मांगछो आशीष देओ प्रभु मन मंदिर प्रभु तिमी शंकर प्रभु को लागिया मंदिर बनायो सानु सानु थाली मा फूल चढ़ायो प्रभु को लागिया मंदिर बनायो सानु सानु थाली मा फूल चढ़ायो दिन तक प्रभु तिम्रो पूजा हर मांछो प्रभु तिमी शंकर आशीष मांछो आशीष देओ प्रभु मन मंदिर मा प्रभु तिमी शंकर दुख दरिद्र सब मंदिर मांछो प्रभु को लागी हरि भजन गांछन दुख दरिद्र सब मंदिर मांछन प्रभु को लागी गी हरि भजन गांछन एक बल्टन आई प्रभु दर्शन दे दो प्रभु तिमी शंकर आशीष मांछो आशीष देओ प्रभु मन मंदिर मा प्रभु तिमी शंकर चंद्रमा सो जाता सूर्य सक्षो अजायतः श्रोतानां मुखार्ग्निः ओम श्री रजायतः ओम श्री अग्निदेवताभ्याम नमः। प्रेम श्री श्री गणेश भगवान की सच्चे दरबार की दुर्गे माता की राधा कृष्ण भगवान की ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश
हरि मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसके स्वामी शरण कहूँ मैं किसके तुम बिन प्रण दो जा प्रभु बिन प्रण दो जा आस करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी प्रभो अंतरया और ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एकय गोचर सबके प्राणपति स्वामी जग के आधारपति इस वेद मिलो दयामय इस वेद मिलो दयामय प्रभु को मैं कुमती ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो दे वा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जगाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझे को अर्पण तेरा तुझे को अर्पण ज्याला ये मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी
वांछित फल पावे। ओम जय जगदेश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदेश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय दीश हरे। श्रीनारायणाभ्याम नमः, श्री पंचजन्याय नमः, हरि ओम मह। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्री राधा कृष्णाय वयम नमः, युगलनंदनाय नमः। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार शरं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैतं नमामि। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागं, पाणौ महाशायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आणि पुष्पाणि मनोहराणि, सुवाणि सुहाणि फुलवन्तुराणि, फुलवन्तुराणि स्त्रुमदूनानि, पुष्पाञ्जलिर्मयमहाशुक्रम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणि संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने, प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदेव परारविंदम्, मुखारविंदे विनिशेषयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे स्थयानम्, बालं मुकुन्दं मनसस्मरामि। कंठे यस्य विराजराजगरलं, गंगाजले मस्तके, वामांगे गिरिराजराजतनया, बामा भवानी शते। नंदिस्कंदगणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथं प्रभो, काश्य स्थितं रखिल गुरु, देवं सदा मंगलं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शणे त्र्यंबके गौरे नारायणे नमस्तुते। ओम जयंति मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वथा नमस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी, विश्वरूपे विशालाक्षे, बुद्धि देहे विदांबरे, वक्रतुंडम महाकाय, कोटि सूर्य सम प्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भवः मंगलं भगवान् शंभो मंगलं ऋषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः नीलांबुजं समाभाषं रविपुत्रं यमारजः छायामाडटण्डं च तं नमामि शनक्षरः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कलाभवानि च पुष्पाञ्जलां दत्तां गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यदपूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तमे आह्वानं न जनामि विसर्जनं पूजां च न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां सर्वदेवता प्रेम श्री श्रीणेश भगवान की उमापति शंकर भगवान की राधा कृष्ण भगवान की श्यावल रामचंद्र की अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की दुर्गे माता की लक्ष्मी माता की सरस्वती माता की काली माता की भारत माता की तुझे श्याम राइफल्स की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का स्थान देवता की वास्तु देवता की कुल देवता की सच्चे दरबार की सनातन धर्म की गौ माता की गंगे माता की नौराई देवता की दशो गुरुओं की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर सुख हर कंटक हर श्री राधा कृष्णाय वयम नमः ओम नमः शिवाय ओम यज्ञेन यज्ञमय यन्य देवास्तानि धर्माणि प्रथमा कतिह नाक महिमानः सजत्र शांत्र देवः ओम मंत्र दक्षिणां समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि तानि व्रतानि च दक्षिणां पदे पदे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सर्वादिष्ट शांति सिद्ध बुद्धि सहिताय समस्त देवी देवताभ्याम नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे नमः ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत बोले सच्चे दरबार की जय।
सालाक्षे बुद्धि देहि विराम्भरे ओम सरस्वते नमः ओम काल विस्मरणम शरव्याधिनाशनम दुर्गापादकम चित्तावनम नवित्यतिने ओम मनोजम मार्गतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिवतामोरिष्टम वातम
Thank you.
Thank you.
रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, दुर्गे माता की, सच्चे दरबार की, श्याबल रामचंद्र की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वस्य पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम श्री गणेश भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, श्रीराज भगवान की। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर, प्यारे प्रभु प्रेमी श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति, भगवान कृष्ण की वांगई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्त महानुभावों, बड़ी हर्ष की बात है कि आज भगवान कृष्ण की जयंती है। और भक्त महानुभावों, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद के महीने में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा वृष राशि में था तब हुआ था। और भक्त महानुभाव, आज हम सब एक रूप में माँ के चरणों में, प्रभु के चरणों में, श्री हरि मंदिर के चरणों में एक रूप से एकत्रित हैं। भक्त महानुभाव, आज 5251 वर्ष मना रहे हैं भगवान की जयंती। भक्त महानुभाव, ये हमेशा बार बार नहीं आती। कहते हैं कि भगवान की जब जन्म हुआ था, भक्त महानुभाव, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जब जन्म योग होता है तो ऐसी योग तभी भी होती है, अन्यथा नहीं बनती। इसीलिए भक्त महानुभाव, भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तो धर्मस्य। भक्त महानुभाव, जब जब धर्म की जब हानि होती है तो भगवान किसी न किसी अवतार स्वरूप में जन्म लेते हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। और भक्त महानुभाव, अपने भक्तों के प्रेम के लिए भगवान का जन्म लेना पड़ता है। कहते हैं भक्त महानुभाव कि प्रबल प्रेम के नाते प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टर जाए भक्त का मान न टरते देखा। भक्त महानुभाव, भगवान का जन्म बड़ा दिव्य है, भगवान का कर्म बड़ा दिव्य है। आप सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, लेकिन भगवान के जीवन में क्या शिक्षा लें, आज इसी पर चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको एक श्लोक में भगवान का जन्म पूरा सुना दूंगा कि आदौ देव की देव गर्भ जन्म गोपी गृह वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम, कंस हननम कौरवादि छेदनम कुंती सुता पालनम, पश्चात भागवत पुराण कथितम, एतद्भि श्री कृष्णा लीलामृतम। भक्त महानुभाव, भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, लेकिन आज लाला का जन्म है, बड़ी खुशी की बात है। और भक्त महानुभाव, एक जन्म का नहीं, बड़े ध्यान से सुनना, कई जन्मों का जब भागवत होता है तो भगवान के चरणों में हम जन्माष्टमी के दिन में कथा सुनने का स्वस्तिक सौभाग्य मिलता है। भक्त महानुभाव, भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान का जो लीला है भक्त महानुभाव, बड़ा दिव्य है। कभी कभी जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान का जो लीला है उसको भी देख के आश्चर्य में पड़ सकते हैं। भक्त महानुभाव,
एक बार की बात है, बड़ी ध्यान से सुनना। जब भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हुए तो नंद बाबा से कहा कि बाबा मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो भक्त महानुभाव, माँ यशोदा ने कहा कि बेटा लाला अभी तो बहुत तुम छोटे हो, थोड़े से तनिक बड़े हो जाओ तब गाय चराने के लिए जाना। भक्त महानुभाव, बाल हट होता है, अगर बालक जिद कर दे कि चंद्रमा लेना है तो चंद्रमा ही लेना है। इसलिए भक्त महानुभाव, भगवान की जिद करने पे माँ यशोदा नंद बाबा ने उनकी पूजा किया, भगवान पहले दिन गाय चराने के लिए गए। भक्त महानुभाव, जब भगवान गाय चराने के लिए गए तो ऊपर से देख रहे थे विधाता ब्रह्मा, और ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब इनका जन्म हुआ तो मैं भी देखने के लिए गया हूँ, ये ब्रह्म है कि नहीं है। भक्त महानुभाव इनकी परीक्षा लेने लगे। भक्त महानुभाव जब भगवान गाय चराने के लिए गए तो उनकी ही टीम में एक था ब्राह्मण का लड़का मधुमंगल, तो सब कोई मिलके दोपहर में भोजन करते थे, तो अपना भोजन क्या करते थे, आपस में मिलके खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सब कोई अपने अपने घर से गौ माखन मक्खन आदि सब कोई लाता, लेकिन मधुमंगल इतना गरीब था भक्त महानुभाव कि आज कुछ नहीं ला पाया। माँ से कहा कि माँ कुछ टिक्कर बना दे, लेकिन भक्त महानुभाव माँ के पास कुछ नहीं था, लेकिन कई दिन की एक कढ़ी थी, बासी था, माँ ने उसको दे दिया। भक्त महानुभाव जब मधुमंगल लेके आया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो आज मधुमंगल के घर ही का भोजन करूँगा। भक्त महानुभाव मधुमंगल बड़ा चिंता हुआ, बोला लाला आज भोजन मत कर, कल कर लेना, आज मैं नहीं खिला सकता क्योंकि मेरे पास कढ़ी है काफ़ी दिन की बासी, कैसे बताएं। लेकिन भक्त महानुभाव, भगवान तो भाव के भूखे हैं, सब कुछ जानते हैं, और भगवान प्रेम से मधुमंगल की कढ़ी खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब ये बात को ध्यान से देखा भक्त महानुभाव, तो कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, और उन्होंने एक लीला किया। बड़ी ध्यान से समझना, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ये ब्रह्म होगा तो चलो चलता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। भक्त महानुभाव जितने भी ग्वाल बाल थे, गाय थे, ब्रह्मा ने उसको चोरी कर लिया। बोला अगर ब्रह्मा होगा तो कुछ लीला करेगा, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन भक्त महानुभाव, ब्रह्मा जितने भी गाय के बछड़े थे अपने ब्रह्म लोक में लेके चले गए। भक्त महानुभाव जैसे भगवान आगे गए तो गाय तो है लेकिन बछड़े नहीं है। भक्त महानुभाव जैसे मछली से बाहर कर दो जल से और गाय को बछड़े से अलग कर दो तो वैसे ही जीव जाता है। भगवान को बड़ा दुख हुआ और मन ही मन ध्यान लगाया कि ये किसने करतूत करी, तो भक्त महानुभाव देखा कि ये तो परमपिता ब्रह्मा ने किया है। भक्त महानुभाव भगवान ने एक लीला किया, दिव्य स्वरूप में बछड़े बने और शाम को समय में अपने घर को लेके चले गए। बलदाऊ जी आज देखिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज बछड़े जो हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भक्त महानुभाव उधर ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा बछड़े को लेकर रखे थे वहाँ पे, उन्हें कहा कि चलो देखता हूँ जिसको ब्रह्म हम समझते हैं वो ब्रह्म है कि नहीं है। तो भक्त महानुभाव जब ब्रह्मा ऊपर से नीचे आए तो उन्हें देखा कि गाय भी है बछड़े भी हैं, तो ब्रह्मा को संदेह हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या पता कहीं ब्रह्मलोक से तो नहीं आ गए, जब वहाँ देखे तो ब्रह्मलोक में भी बछड़े। तो भक्त महानुभाव भगवान कृष्ण ने विचार किया, जब ब्रह्मा नीचे आए तो कृष्ण ने एक लीला किया। भक्त महानुभाव भगवान का, कृष्ण का नाम ही लीलाधर है। आप कभी हमेशा कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन भक्त महानुभाव सबका कारण है, हेतु है। 5 वर्ष के कन्हैया थे तो उन्होंने चीरहरण की लीला की, और भक्त महानुभाव आज के समय में भी 5 वर्ष का बच्चा स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता, लेकिन वो तो ब्रह्म थे। उन्होंने जनमानस को समझाया कि जल भी भगवान है, ऐसा करना अपराध है, पाप है। बहुत लोग बोलते थे भक्त महानुभाव कि भगवान रास नचाते थे, लेकिन रास नहीं नचाते थे,
जितने भी गोपियाँ थी भक्त मानुभाव वो ऋषि थे और राम काज में उन्होंने काम किया। कहते थे भक्त महानुभाव कि भगवान माखन की चोरी करते थे, माने मन में विचार करना कि जिसके पास 5 लाख गैयन है भक्त महानुभाव उसको खिलाने के लिए कम से कम 5,000 तो सैनिक चाहिए, उसके क्या उसके घर में क्या मक्खन की कोई कमी होगी। लेकिन भक्त महानुभाव भगवान ने चोरी इसलिए किया कि भगवान प्रेम से भाव से बंदरों को खिलाया कि जिन्होंने राम में काम किए भगवान की सेवा किया, किसी ने किसी स्वरूप बन के आए थे। कहते हैं कि भक्त महानुभाव कि भगवान के पास कितनी रानियां थी 8,000, लेकिन इसका कारण था भक्त महानुभाव। भक्त महानुभाव जीवन में विचार करना, जब जरासंध था तो जितने ही राजा थे सबकी राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था और बोला था कि इतने हजार हो जाएंगे तो सबसे विवाह करेंगे। और भक्त महानुभाव उस समय जब कोई राजा हारता था तो कोई राजकुमार उस राजकुमारी से विवाह नहीं करता था। भगवान ने सोचा कि ये किसके शरण में जाएंगे, अगर इनसे विवाह नहीं करेंगे तो समाज में विकृति आ जाएगी। इसलिए भक्त महानुभाव तभी तो गाते हैं कि तमेव माता चपिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या देवम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। भगवान सब कुछ हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। भक्त महानुभाव इसलिए भगवान को सच्चिदानंद बोलते हैं, पहले था अभी भी है और बाद में भी रहेगा, इसलिए इसका नाम है सच्चिदानंद। इसलिए कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वस्य पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भक्त महानुभाव जो अभी है, जो बाद में था और बाद में भी रहेगा, वो अनंत भगवान अनंत हैं। और जो सदैहिक दैहिक भौतिक त्रितापों की रक्षा करते हैं भगवान कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं। भक्त महानुभाव इतना ही नहीं, वंदे कृष्णम जगत गुरु, किसी एक वर्ग की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं, किसी एक जात की नहीं, भगवान कृष्ण तो जगत के गुरु हैं। इसलिए भक्त महानुभाव भगवान की लीला भी अलग है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल इधर भी हैं तो भगवान नटवर नारायण ने एक लीला किया और अपना ब्रह्मा का स्वरूप बनाया। अब ब्रह्म लोक में चले गए भगवान, जहाँ उनके दरबार थे उन्होंने कहा कि देखो, भगवान को प्रणाम किया। दरबार ने सोचा कि असली ब्रह्मा तो यही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा के दरबार से ये आजकल भयरुपया बहुत डोलते हैं, देखना अगर कोई भी आए तो रोक के रखना। और भक्त महानुभाव अपने छोटे से कन्हैया ब्रह्मा का स्वरूप बना के ब्रह्मा के सिंहासन पर जाके बैठ गए। जब उधर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में गए तो उनके ही दरबार ने उनको रोक लिया, बोला कहाँ जाते हो। बोला अरे मैं ब्रह्मा हूँ और मेरे ही लोक में मेरे ही दरबार हमको रोकते हो। बोले ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं, यहाँ बहुत सारे भवरुपया डोलते हैं, हमारे प्रभु ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी तो समझ नहीं पा रहे थे क्या होगा, लेकिन भक्त महानुभाव अपने ही सेवक से अपने ही दरबार से बार बार प्रार्थना किया कि प्रभु थोड़ा दर्शन करने दो, आपके ब्रह्मा को दर्शन करना चाहता। दरबार ने कहा ठीक है, जब आप इतनी आप कहते हैं तो जाके मैं कहता हूँ ब्रह्मा जी से। दरबार गया और ब्रह्मा जी से कहा कि परम पिता, वो जो आया है ब्रह्मा भैरुपिया, वो आपका दर्शन देख करना चाहता, कुछ कामना नहीं चाहिए, बस दर्शन चाहिए। भक्त महानुभाव भगवान ने हंसते हुए कहा ठीक है भेज दो। जैसे ब्रह्मा ब्रह्मलोक में अपने ही दरबार द्वारा आगे बढ़े, जब देखे सिंहासन तो वहाँ खाली था। भक्त महानुभाव ब्रह्मा हिलकिया भरते हुए रोने लगे कि प्रभु बाहर मैं तो देखा था, लेकिन मेरा भी मर्यादा रखा, मेरे सिंहासन की मर्यादा रखा, आते ही आप चले गए। और भक्त महानुभाव लिखा है कि भगवान ब्रह्मा वहाँ रुके नहीं, तुरंत भागे और वृंदावन में गए। भक्त महानुभाव एक बार नहीं बार बार प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे को क्षमा करो। भगवान ने कहा भक्त महानुभाव कि क्षमा हमसे मत मांगो ब्रह्मा, इन गोपाल से मांगो, इन ग्वाल बालों से मांगो जो भोले भाले हैं। भक्त महानुभाव जीवन में कहते कि सरल होना बड़ा कठिन है, अगर सरल स्वभाव हो जाए तो भगवान दिखता है। कहते कि भाव के बस में है भगवान,
इसलिए भक्त महानुभाव, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, और भाव है तो हर मंदिर में दिखत सुंदर श्याम। इसलिए भक्त महानुभाव, भगवान कहते हैं कि तुलसी दल पर मैं बिक जाऊं। भगवान ने, दुर्योधन ने सब कुछ व्यवस्था किया, लेकिन भगवान ने उसका प्रत्याग किया और विदुर के घर। Om Jai Jagadish Hare।